एसीसीएल की बात करें, जो भी गरीब गुरबे लोग होते हैं, जमीन तो ले लिया जाता है लेकिन उन्हें दूसरी जगह स्थापित नहीं किया जाता है, ये जो विषय है आप उठाए आज सदन में, क्या मामला सर, क्या कहें? देखिए, विस्थापन मुद्दा को लेकर मैं आज 10 वर्षों से लगातार सदन में विस्थापितों का समस्या को लेकर मैं रखता हूँ, और 10 सालों के अंदर 12 सालों के अंदर कई सरकारें कई गए, मगर आज तक हमें लगता कि संज्ञान में लेने का काम किसी सरकार ने नहीं किया। ये हमारे हेमंत जी की सरकार जल जंगल जमीन का बात करने वाले थे, जल जंगल जमीन के नाम पर चुनाव जीत के आए, इनके भी संज्ञान में मैंने दो दो बार देने का काम किया कि ताकि विस्थापितों का समस्या का निदान हो सके, मगर इन्होंने भी इस विस्थापन समस्या को किसी तरह से संज्ञान में लेने का काम नहीं किया, और लगातार आज देख रहे हैं विस्थापित अपना हक अधिकार मांगने के लिए जाता तो ऐसे लोगों पर मुकदमा होता, उसे लोगों को जेल भेज दिया जाता है, लोग निराशा हो चुके हैं। इसलिए फिर से मैंने पूरे झारखंड प्रदेश के साथ साथ धनबाद के एक एक गांव जो विस्थापित है, विस्थापन किए हैं, जिनका जमीन अधिग्रहण किया है, उसके सारे लोगों का समस्या आज हम विधानसभा सदन में रखने का काम किया, और हमें नहीं लगता कि सरकार से किसी प्रकार का किसी तरह का हमें आश्वासन मिला और इस समस्या का निदान कर सकेंगे।